तो पिछले भाग में हमने देखा मठाधीश ध्रुव पर अपने फस्से से हमला कर देता है उसे खत्म करने के लिए, पर ध्रुव किसी तरह अपना दिमाग लगाकर मठाधीश को कामयाब नहीं होने देता, जिसके बाद वक्र भी वहां पहुंच जाता है जो उसे मठ के केंद्रीय अखाड़े में एक मुकाबले के लिए कहता है, जिसे ध्रुव अस्वीकार करता है। पर क्योंकि वक्र ने चंडिका और जेकब को बंदी बना रखा था तो ध्रुव उन्हें बचाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद मुकाबला शुरू होता है, एक ऐसा मुकाबला जिसे जीतने के लिए दोनों बेहतरीन कलाएं दिखाते हैं। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि गौरंगी सधानी से जेकब और चंडिका को आजाद करा लेती है। फिर बात करें मुकाबले की तो मुकाबला तो कड़क चल ही रहा था, जिसमें ध्रुव वक्र पर भारी पड़ने लगता है, जिसे मठाधीश देख नहीं पाता और ध्रुव को खत्म करने के लिए उसकी ओर एक हथियार दे फेंकता है, पर उसे रोकने के लिए बीच में गौरंगी आ जाती है, जिसे चोट खाकर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर जब उसका नकाब उतारा जाता है तो सबको पता चलता है कि वो गौरंगी नहीं बल्कि उसकी जुड़वा बहन कालिका है, जिसके बाद कालिका वहाँ मौजूद सभी को अपना सच बताती है कि कैसे उसने गौरंगी को गलत आरोप में फंसा कर मठ से निकाला और खुद मारतंड से शादी कर ली। इसके बाद जब उसे गौरंगी के गर्भवती होने का संदेश मिला तो कैसे उसने मठ की गद्दी को अपने हाथ में रखने के लिए दोनों के बच्चे बदल दिए। अब हम देखते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, इसलिए तुम वक्र को कुछ सीखने नहीं देती। एकदम सही, सच बताती तो करने देते तुम। अब मुझे कोई चिंता नहीं थी, मुझे पता था कि समय आने पर मेरा बेटा ही मठाधीश बनेगा, पर तुम्हें शायद राधा का किसी और पुरुष से माँ बनना पसंद नहीं आया। ईर्ष्यावश तुमने अपने ही पुत्र ध्रुव को मारने के लिए सुलेमान और रंजन को भेजा, कारण राधा को शौक देकर याददाश्त लौटना बताया गया। मैंने भी हरक्यूलिस को उन्हें रोकने भेज दिया। मठेश और मेरे बीच जबरदस्त तूतू मैमे हुई। फिर इस बात को यहीं खत्म करने का फैसला हो गया। अब मेरा बेटा सुरक्षित मेरी प्यारी बहन के पास था। अब मौके का इंतजार था मुझे, पर जुपिटर सर्कस की आग ने सब बदल दिया। उस दिन भी मैं ध्रुव को एक नजर देखने गई थी, ध्रुव तो नहीं मिला, पर राधा को बचाने के चक्कर में बुरी तरह से झुलसा हरक्यूलिस राधा का बक्सा लेकर मेरे पास पहुंच गया। उसे धरोहर समझकर मैंने अपने गुप्त अड्डे यानी जंगल के प्राचीन मंदिर तक ले आई। हरक्यूलिस का मेरा स्वामी भक्त कबीले वालों ने उचित इलाज किया और वह वहाँ का रक्षक बनकर रहने लगा। बस उसकी स्मृति चली गई थी। कुछ सालों तक शांति छाई रही। इसी बीच ट्विस्टी का जन्म हुआ, पर मैंने डडवाल को उसका गार्जियन बनाकर यहाँ से बाहर भेज दिया। मैं वक्र से उसका मेलजोल बढ़ाना चाहती थी, और फिर सधानी की असफलता ने एक बार फिर पुराने पन्नों को खोल दिया। इस बार निशाना सीधा मेरे दिल पर था, ध्रुव पर। तब मैंने ध्रुव की बहन के मोबाइल पर गुप्त अलर्ट संदेश भेजा, पर देर हो चुकी थी। मॉरिशियस से जेकब को उठाया जा चुका था। मुझे यकीन था कि राधा के साथ काफी दिनों तक रहने के कारण जेकब भी उस फॉर्मूले की स्थिति अवश्य जानता होगा, पर जेकब लापता था। तभी फिर चमत्कार हुआ। जेकब को ढूंढता हुआ किंग राधा के कपड़े और हरक्यूलिस की महक पहचान कर पुराने मंदिर आ धमका, और मैं भी राधा के जरिए जेकब को ढूंढने में सफल हो गई। ओ, तभी आपका हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इधर एकाएक बढ़ गया था। सही समझे, ये मैंने तभी किया था जब मुझे अस्पताल में मौत की कगार पर खड़े ध्रुव तक संजीवनी पहुंचानी थी। उस वक्त मैं नहीं, मेरी विश्वासपात्र सेविका गुगुट निकाल कर मेरी आवाज का टैप चलाकर कीर्तन कर रही थी। तो ध्रुव की एक बहन भी है, और मैं समझता रहा कि कालिका भोली भाली और पूजा पाठ करने वाली स्त्री है, पर यह तो डडवाल की भी बॉस निकली। ट्विस्ट अच्छा है, पर मेरी थ्योरी वही है। तुम ध्रुव की माँ हो और मेरे पिता की कातिल हो। तुम मेरी माँ नहीं हो, यानी आप मेरी तीसरी माँ है, यानी जिसने कंटेनर पर फाइट के दौरान ध्रुव को बचाया उसे तुमने भेजा था। नहीं, मैं नहीं जानती वो कौन था और उसने ऐसा क्यों किया। बस मैं इतना जानती हूँ कि अब हंटर्स की गद्दी का मालिक ध्रुव। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम्हारी दोस्त राधा को मैंने इतनी आसानी से मूर्ख बना दिया। नहीं, कि आपने अपने आप को कितनी आसानी से मूर्ख बना लिया। पूरी जिंदगी एक झूठ के इर्द गिर्द बुन डाली। झूठ क्या कहना चाहते हो? यही कि तुम जिंदगी भर गलत समझती रही हो कालिका। मुझे अंदाजा था कि राधा पर एक निर्णायक वार जरूर होगा। जब मैं राधा के नवजात शिशु को अस्पताल में देखने जा रहा था, तभी मैंने एक नर्स को राधा के कमरे की तरफ आते देखा था। उसकी गोद में एक नवजात शिशु था जो राधा के तौलिये में लिपटा था। मैं राधा की हर चीज पहचानता था। कमरे में ही एक और शिशु को वैसे दूसरे तौलिये में लिपटे देखकर मेरा माथा ठनका। मैं पल भर में समझ गया। मैंने बच्चे को उठाया और बाहर लाकर उस नर्स का पीछा किया। वह नर्स नहीं थी, नर्स के रूप धरे थी। वह एक मिनट के लिए बच्चे को बेंच पर रखकर प्रसाधान कक्ष में कपड़े बदलने गई और मैंने बच्चे को वापस बदल दिया। मैंने राधा श्याम को ये घटना कभी नहीं बताई, वरना वे फिर पूरी जिंदगी शंकित रहते। ध्रुव गौरंगी यानी राधा की ही संतान है, तुम्हारा पुत्र वक्र है। उफ, ये मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया ये मुझसे। मैं खुद जल रही थी और समझ रही थी मैं दुनिया को आग लगा रही हूँ। कि तुमने कैसी मूर्खता की, मूर्ख स्त्री, हमारी राह में रोड़े बिछाती रही अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, और वे भी हवाई के लिए निकले।
तुमसे बड़ा मूर्ख तो इस पूरी दुनिया में ढूंढे से नहीं मिलेगा। स्थिति तेजी से बदल रही थी, पर पासों का लुढ़कना अभी थमा नहीं था। मूर्ख आदमी को ढूंढना है तो सिर्फ एक आईना ढूंढ लो, उसमें दिख जाएगा। ये तो वही पत्तों वाला प्राणी है। इसकी यही मत कि ये हमारे आसन पर बैठे। तुम इसके बगल में क्यों खड़े हो हकीम? अभी हमारा चीफ केमिस्ट है मार्तंड, और इसके बगल में वही है मूवर जो ध्रुव को बचा कर ले गया था। पर यह तो हकीम के पास कैद था। गद्दारी कर गया हकीम, क्या यह भी तेरे ही साथी है? कुछ बच गया हो तो बता दे। नहीं होते तो मैं बचाती तुम्हें इसके हाथों। मैं देखता हूँ। रुक जाओ वक्र, इनका आत्मविश्वास संदेह पैदा कर रहा है। यही तुम्हें मुझसे बचा कर ले गया था ना, तो अब तुम्हारा इसे बचाने की कोशिश करना तो लाजमी है। पर मेरी चिंता मत करना, मैं इसे एक बार बंदी बना चुका हूँ। अपनी चिंता करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। वक्र ने अपने अभी तक के छोटे से जीवन में ही कई दिग्गजों को धूल चटाकर हंटर्स में अपना दबदबा कायम किया था, और मोअर भी उन्हीं शिकारियों में से एक था। थोड़ी मुश्किल से ही सही, पर वक्र ने उसे बंदी बना लिया था। इस बार भी यह मुश्किल नहीं होना चाहिए था, पर था। वक्र ने ऐसा वार जिंदगी में पहले कभी नहीं सहा था, ऐसा जैसे कि उस पर उल्का गिर गया हो। हे भगवान, मुझे बचाने वाला ये है कौन? कोई दोस्त या दुश्मन का दुश्मन? आह, ये था क्या? थके हुए ध्रुव को गिराकर अपनी शक्ति दिखा रहा है ना तू? अब मैं पहले तेरा पोस्टमार्टम करूंगा और फिर तेरी पहचान पूछूंगा। मठेश के फस्से का वार एक छोटे पहाड़ को भी चूर कर रख सकता था, पर आज पहाड़ फस्से को बुरादा बना रहा था। पर कैसे? ये मठेश की समझ से बाहर था। एक पल के अंदर ही फस्से का सिर्फ डंडा बचा था, और फिर सिर्फ छर्रे जितने बड़े टुकड़े। मठेश के कुछ समझ पाने से पहले ही वे असंख्य टुकड़े उसके शरीर में धस चुके थे। परंतु मठेश में हाथी जैसा बल भी तो था, और समझ भी। शरीर के पोर पोर में दर्द की लहर उठने के बावजूद भी उसमें मोवर को उठाकर पटक देने की शक्ति थी, परंतु इतनी शक्ति मोवर से निपटने के लिए काफी नहीं थी। हंटर्स, खत्म कर दो इसे! हंटर्स, खत्म कर दो इसे! हंटर्स यहाँ पर बचे कहा? जो इक्का दुक्का तुम्हारे मुख्यालय में मौजूद थे, उन्हें तो ध्रुव ने पहले ही धूल चटा दी है। बाकी हंटर्स अब मेरे साथ हैं। हकीम से उनकी बात हो चुकी है। दुनिया में फैले हर हंटर तक यह खबर पहुंच गई है कि मठेश का किला ध्रुव ने ढहा दिया है। ओह, तो यह था मोवर का मुझे बचाने का मकसद। मेरे जरिए हंटर्स को इस हद तक निस्तनाबूद करना कि मुख्यालय पर तुम कब्जा कर सको। लेकिन तुम हो कौन? मरने से पहले तुम मेरा चेहरा जरूर देखोगे, मैं वादा करता हूँ, क्योंकि अब तुम एकमात्र हंटर हो जो मेरे रास्ते का रोड़ा बन सकते हो। मैं हंटर नहीं हूँ। एक समय तुम्हें ही मठाधीश के तख्त का उत्तराधिकारी माना जा रहा था। तुम तो अभी भी हंटर्स के मुखिया हो। तुम्हारी एक आवाज पर अभी भी हंटर्स तुम्हारे पीछे एकजुट हो सकते हैं। खतरा हो तुम, इसलिए तुम्हें यानी मेरे रास्ते के आखिरी अवरोध को हटाना होगा। तुम्हें क्यों बचाया गया ये तो तुमने समझ लिया, पर वक्र को पहली मुठभेड़ में मूवर ने क्यों जीतने दिया यह भी जान लो। वक्र को जीवित रखने का मकसद तुम्हें मारना था, थकाना था। हंटर से तो मैं निपट सकता था, पर ध्रुव से नहीं। ध्रुव ही एक ऐसा शख्स है जो मूवर को भी मात दे सकता है, पर सिर्फ तब जब वो अपनी पूरी शक्ति के साथ हो, जो तुम अब हो नहीं। ओह, ये मूवर तो हथौड़ा है, घन है, असंभव। ये आखिर है कौन? तुम जो भी हो, सिर्फ इतना जान लो, ध्रुव अकेला नहीं है। सही कहा, एकदम नहीं है। कैप्टन के हजारों हाथ हैं, इन्हें दो मत समझना। मूवर अद्भुत लड़ाका जरूर था, पर जब आधा दर्जन कुशल लड़ाके उसे संयुक्त रूप से घेर ले तो उसकी क्षमता में भी कमी आना सामान्य सी बात थी। पर कुशल लड़ाकों को जल्द ही समझ में आ गया था कि सामान्य शब्द मूवर पर लागू नहीं होता। कुछ ही पलों टीकी जीत के बाद सभी लड़ाके ऐसे हवा में उड़ रहे थे जैसे किसी भीषण धमाके के बाद राख के कण हवा में उड़ते हैं। सिर्फ एक लड़ाके ने स्थिति को सही भापा था। मैं जानती थी कि तुम्हारा आत्मविश्वास खोखला नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी खोपड़ी भी खोखली नहीं होगी। मेरी खोपड़ी खाली हो या भरी, मेरी खोपड़ी मेरी है। यहाँ बगैर मेरी मर्जी के कोई घुस नहीं सकता। ओह माय गॉड, ये है क्या? वैसे भी बंदूकें मुझे पसंद नहीं। बचो नताशा, मैं समझ गया ये कौन है। पहला क्लू था तुम्हारी गोली से इसकी खोपड़ी में सिर्फ गड्ढे का पड़ना, और दूसरा था गोली इसको लगने पर पत्तों से गिरे आदमी का चीखना। तो कौन है ये? तुम्हारा भाई प्रोडक्ट, इसलिए इससे निपटना असंभव हो रहा था। लेकिन अगर ये प्रोडक्ट है तो स्पष्ट है कि ये मेरी ही तरह मौत के मुंह से वापस आ गया है। ग्रैंड मास्टर रोबो डेड? यू आर नॉट डेड, अब जिंदा है। एक बार फिर धोखा, मुझे तो लगा अब इस बार सच में। पर आप तो यहाँ प्रोडक्ट के साथ जीते जागते मौजूद हैं। ये प्रोडक्ट कौन है? ग्रैंड मास्टर रोबो द्वारा बनाया गया उसका क्लोन, जिसमें धातु की हड्डियां हैं, आंखों में हाई पावर लेजर फिट है, और पूरा मस्तिष्क अलग अलग माइक्रोचिप से भरा हुआ है। बीमार रोबो इसमें अपनी पूरी मेमोरी ट्रांसफर करके अमर होना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। उस वक्त प्रोडक्ट न जाने कहां लापता हो गया था। मर ही गया था मैं, पर शायद अंतिम समय में इंसान की ब्रेन एक्टिविटी अपने चरम पर होती है।
ऐसा न होता तो मेरा मानसिक संपर्क राजनगर के जंगलों में मौजूद प्रोडक्ट से न हो पाता। संपर्क इतना शक्तिशाली था कि न केवल मैंने प्रोडक्ट को यहाँ बुला लिया बल्कि उसके दिमाग की क्लीन मेमोरी डिस्क में अपनी पूरी मेमोरी भी ट्रांसफर कर दी। अब मुझे अपने सामने एक रास्ता नजर आ रहा था, हंटर्स और एक फॉर्मूला का जिक्र आ रहा था। मैं जानता था कि वह फॉर्मूला क्या था। वह फॉर्मूला मेरी तेजी से असहाय हो रहे अंगों को फिर से दुरुस्त कर सकता था, पर उसके लिए हंटर्स के अंदर पेट करना जरूरी था चुपचाप। इसलिए मैं मर गया, क्योंकि मुर्दे से किसी को खतरा नहीं होता। डॉक्टर मेरा विश्वास पात्र था और हर हेडक्वार्टर में इंसिनरेटर मैंने ऐसी ही किसी विपदा के लिए बना रखे थे। उनमें भट्टी के बगल में एक गुप्त सुरंग भी बनी थी। मुझे जंगल में छोड़कर मूवर यानी प्रोडक्ट यानी मैं खुद ध्रुव को बचाने चला गया और फिर घायल ध्रुव को अस्पताल छोड़कर यहाँ आ गया। मुझे हंटर्स के अड्डे का रास्ता और पता वक्र का पीछा करके मिला। अगर मुझे दूसरे हंटर्स को वहाँ आने से रोकने के लिए टावर तोड़ना न पड़ता तो मैं खुद ये लोकेशन तुम्हें भेज देता। अब मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, हंटर्स का ताज भी और फॉर्मूला के राज भी। ये असंभव है। फॉर्मूले का माइक्रोडॉट तो मेरे पास सुरक्षित है माँ के कैमरा में। ये फॉर्मूला इसके पास तो था ही नहीं। अब हमारी ताजपोशी का कार्यक्रम शुरू होता है। मठाधीश और उसके परिवार की खोपड़ियों को मसाल की तरह जलाकर ज्योत प्रज्वलित करेगा प्रोडक्ट रोबो यानी मूवर। प्रोडक्ट की सुलगती आंखों की लपटें तंबू से टकराकर ठिटकी और फिर प्रोडक्ट खुद अपने ही लपटों में घिर गया। ये घायल है और घायल पर घातक वार करने की इजाजत मैं नहीं दे सकता, पर फिलहाल बात मेरे और मठेश के बीच की है। वैसे भी एक गलती कर रहे हो तुम, बोलते जाओ। अगर मठाधीश का आदेश ही इस मठ का कानून रहा है तो आदेश मैं हूँ। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मठाधीश ध्रुव हंटर्स का नायक, मठवासियों की असली पसंद, तब तो सबसे पहले आहुति तेरी देनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रोबो बलि दी जाए। ध्रुव तुम पागल हो गए हो क्या? प्रोडक्ट को तुम जानते हो, इससे तुम जीत नहीं सकते। इसे सीधी चुनौती देकर ही बाकी लोगों की जान बचाने का प्रयास कर सकता हूँ नताशा। अब देखना यह है कि कौन किसकी आहुति देता है। ध्रुव के सभी मददगारों में सिर्फ इतनी शक्ति बची थी कि इस महायुद्ध को देख सके। ध्रुव की मदद कर पाना उनके वश से बाहर की बात थी। ओह, मेरे हाथ तक नहीं उठा पाता और यह वार पर वार कर रहा है। शायद इसीलिए, क्योंकि मेरी शक्ति अब मात्र 5% ही बची है। सबसे पहले इसके लेजर वार की काट करनी होगी। अगर मैं ऐसा कर सका तो मुकाबला काफी हद तक बराबरी का हो जाएगा। बस इसको यह शक न हो कि मैं जानबूझकर पिटता हुआ अखाड़े के जनरेटर रूम की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पर जनरेटर होगा वहाँ पर डीजल होगा। डीजल में नया प्रोडक्ट रोबो अब लेजर आई का प्रयोग करने से कतरा रहा था, पर उसकी मशीनी फुर्ती की ध्रुव के पास कोई काट नहीं थी और उसके 2 वार ध्रुव के 10 वारों जितने विनाशकारी थे। तुझे जो जो युद्ध कलाएं आती है और नहीं आती है ध्रुव, उसके सारे दांव इसके दिमाग में भरे हुए हैं। तू जीत नहीं सकता, पर मैं ये लड़ाई देर तक खींच नहीं सकता। क्या करूं? सुना है कि तुम्हारा कमिश्नर बाप पैरामिलिट्री फोर्स लेकर इधर आने को चल चुका है। अच्छा है, इसलिए प्रोडक्ट रोबो की लेजर आई की भरपाई ग्रैंड मास्टर रोबो करेगा, बाकी काम प्रोडक्ट रोबो खुद कर लेगा। ध्रुव के लिए दोहरे वारों से निपटना असंभव था, पर मदद देर से ही सही आ गई थी। किंग, तू आ गया? यानी किंग ने ध्रुव के अंदर नई जान फूंक दी थी और रोबो के दिमाग से जुड़ा प्रोडक्ट रोबो रोबो के दिमाग के चकराने से भ्रमित हो रहा था। लड़ाई अब ज्यादा देर की नहीं थी, पर तभी पासा फिर से लुढ़का और पलट गया। रोबो अदृश्य हो गया। अब तुम मुझे ढूंढ, और फिर से वही, अब एक बार और लगा तो मैं अपने होश संभाल नहीं पाऊंगा। अब ध्रुव से ज्यादा उसका मददगार असहाय था, पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ओह, रोबो की लेजर नीचे स्टेज को सुलगा रही है। जरूर किसी ने उसे गर्दन पकड़कर झुकाया हुआ है। स्टेज के सुलगते टेंट ने वातावरण को धुएं से भर दिया और धुएं के चमकते कणों में 2 आकृतियों के उभार नजर आने लगे। रोबो को कोई पकड़े हुए है और आकृति से यह नाना जी लग रहे हैं। मठाधीश, ये तो मठाधीश है, ये जीवित है? हाँ, तुम्हारे जानलेवा षड्यंत्र के बाद भी उसी फॉर्मूला के कारण अदृश्य है, पर जीवित है। पिताजी जिंदा है? शुक्र है, पर मैं तो इन्हें मुंह दिखाने के लायक भी नहीं। तू शक्तिहीन हो गया है मठाधीश, कितनी देर तक जान बचा कर रखेगा मुझसे? जल्द ही तेरी भी यही हालत हो जाएगी। जिस फॉर्मूला के सीरम को तूने पिया है वो हड्डियों को खोखला कर देता है। मौत पी ली है तूने, मैं तो प्रोडक्ट के रूप में जिंदा रहूंगा, पर तेरा और तेरे खानदान का नामो निशान मिटा कर ही जाऊंगा। मठाधीश ने रोबो को जरूर भ्रमित कर दिया था, पर प्रोडक्ट पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा था। ध्रुव का पलड़ा फिर हल्का होने लगा था। उफ, इसे मेरी थकान का फायदा मिल रहा है, अब मैं भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ओह, ये तो खड़ा होना भी असंभव। ध्रुव का समय तेजी से खत्म हो रहा था और साथ ही साथ हंटर्स का भी। नाना जी, आप तो नजर आ रहे हैं। हाँ बेटा, आखिरी वक्त में शरीर की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, वही उस अदृश्य सिरम का असर काट रही है। जिस चीज के लिए मैंने आपको, ध्रुव को मारना चाहा, उससे पहले मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ किया, और अब वही मेरी जान लेने जा रही है। क्षमा मांगो तो कैसे,
मुझे तो अपनी सजा बिना समय के ही मिल चुकी है। मैंने खुद ही अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 20 वर्ष एक झटके में ही खत्म कर दिए। ये तुम्हारी नहीं, मेरे कुछ पापों की सजा है। उस सजा की सजा है जो मैंने गौरंगी को दी। उसने भी अपने जीवन के वे वर्ष तुम्हारी तरह ही शून्य में बिताए थे कालिका। सजा गौरंगी को? सजा यानी राधा, यानी मेरी माँ को सजा? अब सिर्फ माँ हम सबको बचा सकती है। गौरंगी यानी राधा, वो तो कब की हमसे दूर जा चुकी है। वह मुझ पर और माँ पर छोड़िए, आप सिर्फ एक चीज बताइए। ध्रुव ने क्या पूछा, उस प्रश्न की ध्वनि रोबो की बुलंद आवाज के तले दब गई। आज हंटर्स का नया मठाधीश यहाँ अपना स्थान ग्रहण करेगा और उसके भूत, वर्तमान और भविष्य के मठाधीश स्वर्ग या नर्क के अपने स्थान ग्रहण करेंगे और यह उत्सव शुरू होगा मठाधीश के परिवार की बलि से। प्रोडक्ट चढ़ा दे इनकी बलि अभी और यही। एक झटके में कहानी खत्म हो जानी थी पर एक ही झटका लगा और ध्रुव खतरे से दूर हो गया। प्रोडक्ट पकड़ो उसे, अभी हमारे लिए यही एकमात्र खतरा है, बाकियों में अपने पैरों पर खड़े हो सकने की ताकत नहीं है। जाओ, ध्रुव सिर्फ कुछ पलों के लिए बच गया था क्योंकि प्रोडक्ट की गति का मुकाबला कर पाना उसके वश का नहीं था। अब समय नहीं है मेरे पास, इससे पहले कि तुम में से कोई भी संभल सके, तुम सबकी बलि मैं खुद चढ़ाऊंगा। आँख की बत्ती बुझा लो डैड। ध्रुव जिंदा वापस आए या मुर्दा, पर जो होगा उसके सामने ही होगा। ध्रुव ने ज्यादा इंतजार भी नहीं कराया, लो आ गया। मुर्दे की संभावना ही ज्यादा लगती है पर तसल्ली कर लेना जरूरी है। पता नहीं क्यों पर प्रोडक्ट से मेरा संपर्क इस दौरान टूट गया था, वरना मुझे पहले ही इस बात का पता। मैं देखती हूँ, ओह ये क्या हो रहा है, मेरा दिमाग भ्रमित क्यों हो रहा है, घूम क्यों रहा है, क्या ये सिरम का साइड इफेक्ट है? ये तो साइड इफेक्ट नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट है। ये उसी चूर्ण का धुआं है जो मेरी माँ को स्मृति लोप के लिए खिलाया गया था। नाना जी ने बताया कि इसे खाने पर असर धीरे धीरे होता है पर इसका धुआं तुरंत असर करता है, इसलिए मैं प्रोडक्ट को भगाकर वैद्य हकीम की प्रयोगशाला तक ले गया था, उस वटी चूरन तक। वहाँ प्रोडक्ट की स्मृति लोप करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। वैसे ही तुमने भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने यहाँ पहुँचने की तुम्हारी बगल की जलती आग में फटी की एक पुड़िया फेंकी थी। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा, रोबो की मेमोरी हमेशा के लिए मिट जाएगी। ओह सच में मुझे सब कुछ भूल जाने से पहले जाना ही होगा। डैड कहाँ गए? अब उसे यह भी याद नहीं रहेगा कि वह रोबो है और उसकी एक बेटी है। अरे नाना जी कहाँ गए? वे बस इतना कहकर अदृश्य हो गए कि रोबो पर नजर रखनी जरूरी है। हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे पर मौत हमें छू कर निकल गई और हम कुछ कर नहीं सके। जिस चीज ने गौरंगी को राधा बना दिया उसी ने आज बचाया है हंटर्स को। गौरंगी के अनुपस्थित होकर भी हंटर्स की रक्षा की है, वही सच्ची नायक होती है हमारी। माँ एक ऐसी रोशनी है जो हमेशा रास्ता दिखाती रहती है, चाहे पास से या दूर से। सच में? ओ रोबो सही कर रहा था, पुलिस वाले मठ में अंदर प्रवेश कर गए हैं। पर कैसे? सभी अपने हथियार डाल दें और प्रतिरोध करने की कोशिश ना करें, वरना अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। शुक्र है कि आप यहाँ सुरक्षित आ गए पापा, पर आप अंदर आए कैसे? श्वेता को मैंने एक GPS ट्रैकर दिया था, वह जिस रूट से अंदर आई थी उसी को फॉलो करके हम अंदर आ गए, पर श्वेता तो यहाँ आई ही नहीं। अरे उसने GPS ट्रैकर मुझे दे दिया था। अच्छा, कितना प्रेम है तुम दोनों में। पापा आप अगर सुरंग के रास्ते से आए हैं तो एक कैमरा आपको मिला होगा, मैं उसे वहीं छोड़ आया था। नहीं, मैं सबसे पहले सुरंग में घुसा था, वहाँ कोई कैमरा नहीं था। ओह जरूर नाना जी उसे साथ ले गए होंगे, यानी उनके अनुसार हम ऐसे आविष्कार के लिए तैयार नहीं है। मठ के निर्दोष निवासियों पर कोई आंच नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। हमें पश्चाताप करना है, हम कानून के साथ पूरा सहयोग करेंगे और जो मिलेगा वह भुगतेंगे और जीवित बचे तो पवित्र होकर ही आएंगे, परंतु हंटर्स को संचालित करते रहना आवश्यक है। हर हंटर खुद में एक एटम बम है, अगर वे दिशा भटक गए तो हंटर्स आज से मेरी जिम्मेदारी है। नाना जी चाहते थे कि मैं हंटर्स का प्रतिनिधित्व करूं, तो वह मैं वक्र के वापस आने तक जरूर करूंगा और इस जिम्मेदारी को मेरे प्रतिनिधि के रूप में उठाएगी ट्विस्टी नताशा के निर्देशन में। हाँ क्यों नहीं, तुम ऐसो को हैंडल करने में मुझसे कहीं बेहतर हो। जाते जाते तुमसे एक बात कहनी है ध्रुव, यहाँ पर मठ का मुख्यालय बनाने का कारण था माँ शक्ति रूपा का मंदिर। हम दुर्गा उपासक हैं, उसी मंदिर के प्रांगण में अभ्यास करते तुम्हारी माँ गौरंगी इतनी पारंगत हुई थी। उस मंदिर में अद्भुत शक्तियाँ हैं, परंतु उसका कपाट सदैव बंद रहता है, आज तक किसी ने उसके गर्भगृह में प्रवेश नहीं किया है। उसकी सुरक्षा अब तुम्हारे जिम्मे है, क्योंकि कहते हैं कि वे कपाट प्रलय के दिन खोलेंगे। जिस दिन कपाट खुले प्रलय आ जाएगी। मैं मंदिर की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करूंगा, चिंता न करें। प्रलय तो आएगी मठेश, तुम्हारा काम पूरा हुआ है ध्रुव, मेरा नहीं। वह फार्मूला भी मेरा है और कालिका की जान भी। सलाखें मेरे और मेरे मकसद के बीच में खड़ी नहीं हो सकती। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि आखिरी लाइन ब्लैक कैट लिखेगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये एक शानदार सीरीज बालचरित खत्म होती है। तो जाने से पहले आप इस वीडियो को
जरूर से लाइक करें। और हाँ, ऐसे ही बेहतरीन कॉमिक सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कॉमिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्रेजी फॉर कॉमिक्स।